नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा, संगठन में फेरबदल और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की उम्मीद है। इस बैठक में सभी राज्यों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री शामिल हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी होगी। संगठन में किस तरह से फेरबदल किया जाना है, इस पर भी मंथन होगा। तीन राज्यों में जो अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो बहुत नजदीक है, इस पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी चर्चा संभव है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से बड़े नेता पदाधिकारी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि नया अध्यक्ष जिस पर आज चर्चा होनी है, उसे लेकर क्या सामने आता है। ब्रह्म प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है, बड़े नेता पदाधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, किस तरह अब तक चर्चा हो रही है, विधानसभा चुनाव, संगठन का फेरबदल और सबसे बड़ा सवाल नया अध्यक्ष। विशाल, देखिए 12 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बैठक ले रहे हैं और इसमें सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं, संगठन मंत्री पहुंचे हैं, पार्टी के महासचिव पहुंचे हैं और सभी लोग बैठक में शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में जो एजेंडा है उसमें एक तो है कि सदस्यता अभियान पार्टी का कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पार्टी ने पिछले बार 10 करोड़ सदस्यों को बनाया था, तो लिहाजा आगे उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए, कैसे और मेंबर बनाए जाए, ये भी एक एजेंडा है बैठक में। इसके अलावा संगठन में बदलाव होना है, कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे वो केंद्र में मंत्री हैं, लिहाजा इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बदला जाना है। तो कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष नए चेहरे होंगे कुछ दिनों बाद, तो उस पर भी चर्चा है। और दूसरा, संगठन और सरकार के बीच आगे तालमेल किस तरह से रहे, तो इसको लेकर भी आज चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अमित शाह मंत्री बन गए हैं, लिहाजा पार्टी में आगे अगला अध्यक्ष कौन हो, तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, लेकिन 12 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो फोकस रहेगा पार्टी का वो ये है कि पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, तो सरकार के साथ तालमेल करके चीजों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लिहाजा जनता को इस तरह का मैसेज जाए कि सरकार काम में लगी है, तो कैसे संगठन वो बातें जनता तक पहुंचाए, तो तालमेल जो आगे कैसे रहे, इस पर चर्चा होगी। तो कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज इस जो बैठक चल रही है उसमें चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि आगे संगठन में कई सारे बदलाव भी होने हैं। विशाल, फिर हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति और एक पद के सिद्धांत पर काफी समय से काम कर रही है, और इसी को लेकर यह बात कही जा रही थी कि चूंकि अमित शाह ने अब गृहमंत्री का पद संभाल लिया है, तो इस बात की संभावना है कि पार्टी के अध्यक्ष का जो पद है वो किसी और के पास जाएगा। क्या इस पर आज चर्चा होने जा रही है, क्या जो मीटिंग हो रही है उसके एजेंडे में यह बात है? देखिए, जो आज मीटिंग हो रही है उसमें इस पर कोई फाइनल डिसीजन होने की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, इसको लेकर चर्चा जरूर हो सकती है, क्योंकि कई सारे एजेंडे हैं इस बैठक के, जिसमें विशाल मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि पार्टी को अपना और जो आधार है वो व्यापक करना है, सदस्यता अभियान नए बोर्ड में किस तरह से चलाया जाए, तो एक महत्वपूर्ण एजेंडा यह भी है। दूसरा, संगठन में सिर्फ अमित शाह के अलावा दूसरे राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, ये भी केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, लिहाजा इन राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने हैं। इसके अलावा संगठन में और भी कई बदलाव होने हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा यही है कि संगठन में बदलाव होना है, उसको लेकर चर्चा होगी। और पार्टी अध्यक्ष तो ऐसा माना जा रहा है कि नया चेहरा होना ही है, तो उसको लेकर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन आज होगा ऐसा तो इसकी संभावना नहीं है, लेकिन जो सारे एजेंडे हैं उस पर विस्तृत मंथन जरूर होगा कि आगे पार्टी कैसे बढ़े इन सब चीजों पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसकी हर अपडेट, हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।